सीएससी नॉलेज बेस में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस लाल बटन पर क्लिक करें और नई अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस घंटी को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश एपिसोड के साथ सीएससी नॉलेज बेस में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मुझे कई बार आपके कमेंट आए कि आपको यूआईडीआई के सिक्योर क्यूआर कोड रीडर से नए क्यूआर कोड को रीड करने में परेशानी आ रही है, या आप क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, और साथ ही मैं आपको ये पूरा प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां मैंने ई आधार पीडीएफ को ओपन करने के लिए एडोब एक्रोबैट 11 का यूज किया है। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसे ही यूज करें, क्योंकि इस एक सॉफ्टवेयर की मदद से आप पीडीएफ में बहुत कुछ बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एडोब एक्रोबैट 11 की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खैर, अभी के लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि आपको क्यूआर कोड कैसे स्कैन करना है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।